Cutting straight across to Pakistan, where Pakistan Tehreek-e-Insaf Chairman Imran Khan is going to be addressing the media and his supporters in just a few moments. एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था। मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूं। एक फेज थी, एक स्ट्रगल, एक ऊंच-नीच, और अब दूसरा फेज है कि अल्लाह ने मौका दिया है कि इक्तदार में आके वो मैनिफेस्टो, वो मंशूर, वो नजरिया, वो मैं इंप्लीमेंट करूं, जो मैं 22 साल पहले लेके निकला था। तो पहले मैं वाज़े कर दूं कि इस मुकाम पे मुझे पूछाया है कि एक मौका मुझे दिया है कि मैं वो जो मेरी ख्वाब थी, एक पाकिस्तान की ख्वाब लेके चला था, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है कि मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकूँ। एक फेज थी, एक स्ट्रगल, एक ऊंच नीच, और अब दूसरा फेज है कि अल्लाह ने मौका दिया है कि इक्तदार में आके वो मैनिफेस्टो, वो मंशूर, वो नज़रिया, वो मैं इंप्लीमेंट करूं, जो मैं 22 साल पहले लेके निकला था। तो पहले मैं वाज़े कर दूं कि 22 साल पहले मैं क्यों सियासत में आया था। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने सब कुछ दिया था, उसको कोई पॉलिटिक्स कुछ नहीं दे सकती थी, जो कुछ भी ना करता तो बड़े आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया था कि मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल था, जो हमारा मुल्क जिस तरह ऊपर जा रहा था, जब मैं बड़ा हो रहा था इस पाकिस्तान में, मैं ये मैंने खुद देखा कि ये मुल्क ऊपर जाते हुए और फिर नीचे आता, और हमने नीचे आता ऐसे देखा कि एक गवर्नेंस सिस्टम का कोलैप्स देखा और करप्शन का। तो इसलिए मैं जब आया, मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बने जो हमारे मेरे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, जिन्होंने इस जो सोचा था पाकिस्तान का। अब मैं इलेक्शन पे पहले आता हूँ। ये इलेक्शन एक तारीखी इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में। इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस इलेक्शन के अंदर दहशतगर्दी हुई। मैं आज ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह की मुश्किलात उनको सामने करनी पड़ी, जिस तरह की वहाँ दहशतगर्दी हुई, उसके बावजूद जिस तरह बलूचिस्तान के लोग निकले हैं, मैं आज सारे पाकिस्तान की तरफ से बलूचिस्तान के लोगों को दाद देना चाहता हूँ, खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं जो सीन्स देखे टीवी के ऊपर, जिस तरह बूढ़े माजूर गर्मी की इंतहा में निकले वोट देने के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह आए शिरकत करने के लिए, मैं इन सारों को आज दाद इसलिए देना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी जमहूरियत को मजबूत किया। हम अब ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो जमहूरी एवोल्यूशन है, हम अपनी जमहूरियत का जो प्रोसेस है वो बढ़ते देख रहे हैं, और इस सारी चीज़ों के बावजूद जो जितनी भी हमारे मुश्किलात आई, हमारे इकराम गंडापुर सुसाइड बॉम्बर से शहीद हुए, उससे पहले एक सुसाइड अटैक से हारून बिलोर शहीद हुए, और कितने और लोग मारे गए, तो इस सब के बावजूद ये इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को मैं दाद देना चाहता हूँ, उनके भी एहलकार जान खो बैठे। मैं अपनी पार्टी के लोगों को, जिधर हमें तकरीबन 10 जगहों के ऊपर हमें थ्रेट थी सुसाइड अटैक्स की, मैं उन सब को आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस सब चीज़ के बावजूद हम ये इलेक्शन लड़े, और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हम कामयाब हुए और मैंडेट मिला। अब मैं सिर्फ मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहता हूँ, जो मैं अब जिधर आज हम खड़े हुए हैं, हम किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं। देखिए, मैं मेरी जो इंस्पिरेशन थी वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई, उस रियासत के अंदर जिस तरह का इंसानियत का निज़ाम आया, पहली दफ़ा दुनिया की तारीख में एक फलाई रियासत बनी, एक रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमज़ोर तबके की, पहली दफ़ा एक रियासत ने बेवाओं की
मजदूरों की, यतीमों की। एक ये भी स्टेज आई कि खलीफा वक्त ने कहा कि अगर कुत्ता भी मेरी रियासत के अंदर भूखा मरे तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं वो उस रियासत मैं पाकिस्तान, मेरी इंस्पिरेशन ये है कि पाकिस्तान उस तरह का एक इंसानियत का निज़ाम बने जिधर हम अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लें। जो हमारी रियासत बन गई है वो उसका उल्टा है। ये जानवरों का निज़ाम, हैवानों का निज़ाम कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कमज़ोर बेचारे भूखे मर रहे हैं। जिस रियासत के अंदर आधी आबादी तकरीबन गुरबत की लकीर से नीचे हो या गुरबत की लकीर के ऊपर हो, उस रियासत के अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि ये वो बड़ा एक अजीम ख्वाब था जो पाकिस्तान का था। तो जो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी, मैं इंशाल्लाह आपको साबित करके दिखाऊंगा। हमारी सारी पॉलिसीज़ बनेंगी अपने कमज़ोर तबके को उठाने के लिए। हमारी पॉलिसीज़ बनेंगी कि हमने किस तरह जो हमारे मजदूर हैं बेचारे सारा दिन मेहनत करते हैं, पैसा नहीं बनता कि अपने बच्चों को फीड कर लें। हमारे जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, जो सारा दिन सारा साल मेहनत करते हैं और उनको पैसा ही नहीं मिलता वो उनके बच्चों को सही खुराक दे सकें। हमारे 45% बच्चे पाकिस्तान में, उनको बीमारियाँ, स्टंटेड ग्रोथ, ना वो पूरे कद पे पहुंच सकते हैं ना उनके जेहन ग्रो कर सकते हैं। 45% बच्चे को हमने यानी कि मौका ही नहीं दिया इस मुल्क में आगे जाने का। 2.5 करोड़ पाकिस्तानी बच्चा स्कूलों से बाहर है। मुल्कों की आबादी 2.5 करोड़ नहीं है जितने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर है। और हमारी ख्वातीन यानी दुनिया में तकरीबन सबसे ज़्यादा हमारी ख्वातीन प्रेगनेंसी में डिलीवरी के पॉइंट पर मरती हैं क्योंकि हम उनको बुनियादी हेल्थ केयर नहीं दे सकते। हमारी दुनिया के अंदर हाईएस्ट रेट है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और गरीब लोगों का समंदर हो। कोई मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ता। हमारे सामने मिसाल है चाइना की। सारी पॉलिसीज बने कि हमने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट, इंसानों को कैसे डेवलप करना है। और मैं चाहूंगा कि हमारा सारा मुल्क इस तरफ सोचे, ये ना सोचे एक मुल्क ऐसा नहीं, एक मुल्क की पहचान ये नहीं होती कि उनके अमीर लोग कैसे रहते हैं। मुल्क की पहचान ये होती है कि उनका गरीब तबका कैसे रहता है, कमजोर तबका कैसे रहता है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर एक छोटा सा जजीरा हो अमीर लोगों का और गरीब लोगों का समंदर हो। कोई मुल्क आगे ऐसे नहीं बढ़ता। हमारे सामने मिसाल है चाइना की। चाइना ने 30 साल में 70 करोड़ लोगों को गुरबत से निकाला है। दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और उसके अलावा जो मदीना की रियासत, जो हम सारा मुसलमान, हम दुनिया के अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हैं, वो पहली रियासत थी जिधर जो एक फलाई रियासत थी। और वो उन्होंने प्रिंसिपल सेट किए थे उस रियासत के जिसमें कानून के सामने सब एक बराबर थे, कानून की बालादस्ती थी, जिसमें इंसानियत थी, जिसमें मेरिट थी, जिसमें अदल था, यानी कि पैसे वालों से पैसा लेके निचले तबके के ऊपर खर्च करते थे। उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक रियासत को किन प्रिंसिपल्स पे बनाया जो कि दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन 700 साल तक बने। हमने उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी पाकिस्तान को उन प्रिंसिपल्स पे लाने के लिए। मैं आज इस मौके पे चाहता हूँ कि सारा पाकिस्तान यूनाइट हो। मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ कि कोई भी हमारा जो मुखालिफ हुआ, हमारे खिलाफ जिन्होंने वोट्स दी, मेरे ऊपर ज़ाती तौर पे कभी भी किसी, मेरे ख्याल में किसी सियासी लीडर पे इस तरह के पर्सनल अटैक्स नहीं हुए जो मेरे पे पिछले 3 साल पे हुए हैं। मैं सारों को, ये सब को भूल चुका हूँ। ये सब मेरे पीछे हैं। ये मेरी ज़ात की बात नहीं है, मेरे मुल्क की बात है। हमारा जो कॉज है वो मेरी ज़ात से बहुत बड़ा है। कोई इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि ये पहली गवर्नमेंट आएगी जो किसी किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करेगी, किसी मुखालिफ के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं करेगी। हम कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। कानून की बालादस्ती का मतलब हमारा कोई गलत करेगा उसको भी कानून पकड़ेगा,
जो मर्जी गरीब अमीर ताकतवर कमजोर जो इस मुल्क के कानून के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। मैं इंशाल्लाह आपको साबित ये करके दिखाऊंगा कि हम ऐसे मजबूत इदारे बना देंगे, हमारी जो इंस्टीट्यूशन स्टेट इंस्टीट्यूशन है वो इतनी मजबूत होंगी कि वो रोकेंगी करप्शन, वो सबसे ज्यादा चेक रखेंगी जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हैं, इमरान खान पे चेक रखेगी, इमरान खान के वजीरों पे रखेगी, अकाउंटेबिलिटी शुरू होगी मेरे से, फिर होगी मेरे वजीरों से, फिर हम नीचे जाएंगे। यानी जो आज अगर पाकिस्तान में करप्शन ने इस मुल्क को कैंसर की तरह खा रही है तो उसकी वजह यह है कि एक कानून है जो इकतदार में और दूसरा कानून है जो कि बाहर है, तो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी जो अपोजिशन में बैठे होते हैं उनकी होती है। हम इंशाल्लाह इसमें आपको मिसाल सेट करके दिखाएंगे कि कानून सबके लिए एक बराबर होगा। आज अगर मगरब हमारे से आगे है, उनकी सबसे बड़ी एडवांटेज यह है कि उनका कानून इम्तियाज नहीं करता लोगों में, कानून की बालादस्ती है। जितना महजब माशरा उतना उनकी इदारे मजबूत और उनका इंसाफ का निज़ाम मजबूत। तो ये हमारा सबसे बड़ा गाइडिंग प्रिंसिपल होगा पाकिस्तान के अंदर कि हम इंशाल्लाह इस मुल्क में कायम करेंगे वो इदारे जो कि इंशाल्लाह इस मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम ठीक करेंगे। जब तक इस मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक नहीं होता या इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हमारा जो इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंज है पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा, आज पाकिस्तान इकोनॉमी का चैलेंज फेस कर रहा है। हमारा कभी भी तारीख में इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट नहीं था, हमारा कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ट्रेड डेफिसिट नहीं है, कभी पाकिस्तान की तारीख में इतने कर्जे नहीं लिए हुए, कभी पाकिस्तान की तारीख में रुपया इतना नीचे नहीं गिरा डॉलर के मुकाबले में। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि हमारी जो इकॉनमी है वो एक 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 इदारे जो फंक्शन नहीं कर रहे, डिसफंक्शनल इदारों की वजह से आज हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है। हमने पहले गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है, हमने माहौल बनाना है बिजनेस के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने ठीक करनी है। मेरे ख्याल में जो हमारा सबसे बड़ा एहसास है वो हमारा है ओवरसीज पाकिस्तानी, उनको इंशाल्लाह हम इस मुल्क में दावत देंगे, हम उनको गवर्नेंस ठीक करके मौके देंगे कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, आज तक अगर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने पाकिस्तान में उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि करप्शन ने पाकिस्तान के इदारे तबाह कर दिए हैं, और करप्शन एक डिटरेंट है, करप्शन की वजह से आती नहीं है इन्वेस्टमेंट। लोग दुबई इन्वेस्ट कर लेते हैं, मलेशिया चले जाते हैं, पाकिस्तान में नहीं इन्वेस्टमेंट आ रही। जिसका दूसरा प्रॉब्लम है बेरोजगारी, हमारा दुनिया का सेकेंड यंगेस्ट पॉपुलेशन है, इनको रोजगार चाहिए। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी हम उनको किधर से नौकरियां ढूंढ के देंगे। तो आज जिधर पाकिस्तान खड़ा है, मैं आपके सामने कौम के सामने आज ये कह रहा हूं कि हम पाकिस्तान को ऐसे चलाएंगे जो कभी पाकिस्तान पहले नहीं चलाया गया, वो गवर्नेंस देंगे जो कभी पाकिस्तान में पहले ऐसी गवर्नेंस नहीं आई, और वो शुरू करेंगे अपने आप से, अपने आप को इदारों के नीचे लेके आएंगे और सादगी कायम करेंगे। मैं ये जो आज आपको आपके सामने प्लेज कर रहा हूँ कि अब तक जो हमारे हुक्मरान आते हैं वो पैसा अपने ऊपर खर्च करते हैं, शान और शौकत पे, बड़े बड़े महलात पे, इनके बैरून मुल्क दौरों में अपने ऊपर याशो इशरत से रहते हैं। जिस तरह हमारी रूलिंग एलीट अब तक पैसा खर्च करती रही है, कैसे लोग टैक्स देंगे? वो मुल्क जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात, पांच मुल्कों में सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं, वो दुनिया में सबसे कम टैक्स देता है। टैक्स इसलिए नहीं देता कि लोग देखते हैं कि उनके टैक्सों के ऊपर जो हमारी साहिब इक्तदार हैं, रूलिंग एलीट है, वो जिस तरह बेदर्दी से उनका पैसा खर्च करती है, अपने ऊपर चोरी करती है, अपने ऊपर खर्च करती है, उनका पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करती है, लोग क्यों टैक्स देंगे? तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्लेज करता हूँ, आज मैं आपके सामने वादा आपसे करता हूँ, अवाम के टैक्स के पैसे की मैं हिफाजत करूँगा, अपने सारे हम खर्चे कम करेंगे। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस, ये शाहाना महल, एक वो मुल्क जो कि जिसकी आधी आबादी गुरबत की लकीर से नीचे है, वहाँ कोई मुझे शर्म आएगी कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे रहूँगा इतना बड़ा महल के अंदर।
मैं हम हमारी गवर्नमेंट फैसला करेगी कि हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस का क्या करना है, इसको हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, सादगी से कोई लेंगे छोटी सी जगह मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर जिधर प्राइम मिनिस्टर रहेगा, हम सारे गवर्नर हाउसेस को पब्लिक के इस्तेमाल के लिए यूज़ करेंगे, कहीं जिस तरह नथिया गली का गवर्नर हाउस है उसको होटल बना देंगे ताकि उससे इनकम आए पब्लिक के लिए, बजाय बादशाह की तरह जाके जो साहिब इक्तदार है वो रहें लोगों के टैक्स के पैसे पे। हर जगह जितने भी हिल रिजॉर्ट्स पे रेस्ट हाउसेज हैं सबको कमर्शली हम इस्तेमाल करेंगे ताकि वो पैसा बनाएं, उनके पैसे मुकामी लोगों पे लगाए जाएं। कहने का मेरा ये मकसद है कि पाकिस्तान में जो आज तक साहिब इक्तदार अवाम के टैक्स के पैसे पे याशियाँ करते रहे हैं, ये इंशाल्लाह मेरा आज आपसे वादा है कि ये मैं चेंज करूँगा, अपने से शुरू करूँगा, अपने वजीरों से शुरू करूँगा, पार्लियामेंटेरियंस को सही करेंगे, सारे जितने भी हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं सारों को हम एक कौम को ये बताएंगे कि ये हमने इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना है, हमें कोई बाहर से मुल्क आके बचाने नहीं लगा, हमने अपने इदारे मजबूत करने हैं, हमने अपनी मिसाल से अपने खर्चे कम करने हैं और फिर हमने अपनी आमदनी बढ़ानी है, हमने बिजनेसेस के साथ मिलकर, हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर पॉलिसीज बनानी है ताकि वेल्थ क्रिएशन हो, जितना पैसा बनेगा उतना मुल्क अमीर होगा, उतना हमारा टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा, उतनी हम नौकरियां देंगे लोगों को, अपने नौजवानों को नौकरियां देंगे। तो ये आज फिर मेरा ये जो दूसरा प्लेज ये आपसे है कि इंशाल्लाह हम टैक्स कल्चर ठीक करेंगे, हम टैक्स कल्चर एक ऐसा बनाएंगे जो आम लोगों के लिए ये पता चलेगा, लोग इसलिए टैक्स देंगे कि उनको पता चलेगा उनका टैक्स उनके ऊपर खर्च होता है, उनका टैक्स चोरी नहीं होगा। एंटी करप्शन को हम मजबूत करेंगे, नैब को और मजबूत करेंगे, एफबीआर जैसे इदारों को हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, इंशाल्लाह जो जो हमारे पिसा हुआ तबके किसान इनके लिए हम सारी गवर्नमेंट मदद करेगी कि एक किसान किसी तरह पैसा बनाए ताकि अपनी ज़मीन पे लगाए ताकि पैदावार बढ़े इस मुल्क के ऊपर, छोटी बिजनेसेस की मदद करेंगे, नौजवानों के लिए नौकरियां ढूंढने के लिए नई नई चीज़ें लेके आएंगे, मसलन उनके लिए स्किल्स एजुकेशन करेंगे ताकि उनको मौका मिले, हुनर सीखें वो, तालीम हासिल करके नौकरियां मिले उनको। तो ये दूसरी चीज़ कि जो जो भी हमारा पैसा होगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट पर जाएगा, इंसानों के ऊपर इंशाल्लाह अपनी जो यूथ है उसके ऊपर हम खर्च करेंगे। मेरा जो अगली आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये कि हमारा इस वक्त फॉरेन पॉलिसी में बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान का। अगर किसी मुल्क को इस वक्त अमन की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान है। हमारे पास हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस इस वक्त ऐसा है कि हम चाहते हैं कि हमारे सारे हमारे जो नेबर्स हैं उनसे हमारे ताल्लुकात अच्छे हों ताकि हम कॉन्सनट्रेट करें अपनी नेशन बिल्डिंग में। तो सबसे पहले तो हमारा जो नेबर है चाइना, उससे हम और मजबूत करेंगे अपनी रिलेशनशिप। चाइना एक बड़ा हमें मौका देता है कि चाइना जो सीपैक उन्होंने पाकिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू किया है, इससे हमें मौका मिलता है कि हम उसको सीपैक को इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लेके आएँ। दूसरा, चाइना से जो हम सीखना चाहते हैं वो जो मैं बात कह बैठा हूँ, 70 करोड़ लोग चाइना ने गुर्बत से 30 साल में निकाले हैं और मैं इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि चाइना से जो पॉवर्टी एलिविएशन है हम टीम भेजेंगे कि क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए कि किस तरह हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएँ, किस तरह हमारा ये जो जो लोग दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते हमारी सारी कॉन्सनट्रेशन होगी कि हमने इनको कैसे निकालना है यहाँ से। चाइना से दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो करप्शन है। चाइना ने करप्शन के ऊपर जिस तरह जो मेजर्स लिए हैं, जिस तरह के उन्होंने 4 सालों के अंदर 400 वजीरों को पकड़ा है, उन्होंने एक मिसाल सेट की है कि क्राइम डज नॉट पे। जब आप एक करप्शन के ऊपर ऊपर से करप्शन के ऊपर पढ़ते हैं तो तब करप्शन एक माशरे में नीचे आती है। तो वो करप्शन के ऊपर भी हम इंशाल्लाह चाइना से सीखेंगे, उनसे और अपने ताल्लुकात मजबूत करेंगे। दूसरा मुल्क है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक वो मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा वॉर ऑन टेरर में, ये जो वॉर ऑन टेरर और उससे पहले अफगान जहाद थी, सबसे ज़्यादा इंसानों ने इस दुनिया के इंसानों ने सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ उठाई है वो है अफगानिस्तान के लोग। और अफगानिस्तान के लोगों को
अमन की ज़रूरत है, उसके बाद जो मुल्क चाहता है अफगानिस्तान में अमन, वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में अमन होगा। हमारी पूरी कोशिश होगी हमारी गवर्नमेंट की कि हम हर तरह अफगानिस्तान में अमन लाने की कोशिश करें। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अफगानिस्तान में हमारे ऐसे ताल्लुकात हो जाएं कि हमारे ओपन बॉर्डर्स हों, जिस तरह यूरोपियन यूनियन के ओपन बॉर्डर्स हैं, हमारे भी एक दिन अफगानिस्तान से ओपन बॉर्डर्स हों। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका इन्वॉल्व है, मैं चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ भी, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हमारी एक ऐसे ताल्लुकात हों जो कि म्यूचुअली बेनिफिशियल हों, यानी एक ऐसे हों जो दोनों मुल्कों के लिए फ़ायदा मंद हों। अभी तक बदकिस्मती से हमारे ताल्लुकात वन वे रहे हैं, यानी कि अमेरिका समझता है कि वो पाकिस्तान को इमदाद करता है उनकी अमेरिका की जंग लड़ने के लिए, इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। हम ये रिलेशनशिप चाहते हैं अमेरिका से कि दोनों मुल्कों को फ़ायदा हो, एक 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 बैलेंस रिलेशनशिप हो, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उस बैलेंस रिलेशनशिप के लिए। ईरान हमारा हमसाया है, ईरान से हम बिल्कुल अपने ताल्लुकात और बेहतर करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया हमारा सबसे एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी कर सकें, जितनी भी हमारी ताकत हो, मिडल ईस्ट के अंदर हम कंसिलिएशन, यानी हम एक सालिस का किरदार अदा करें, ताकि हम ये जो टेंशन है मिडल ईस्ट में, आपस में ये जो लड़ाई हैं जो नेबर्स के बीच में हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको इकट्ठा करें। हम यानी एक वो मुल्क बने जो कि लड़ाई ख़त्म करे बजाय लड़ाइयों के अंदर शिरकत करे, जो अब तक बदकिस्मती से हम करते आए हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचा है। फिर हिंदुस्तान, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मेरी मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है, हिंदुस्तान सारा फिरा हुआ क्रिकेट की वजह से। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बरे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुरबत कम करना चाहते हैं बरे सगीर में, जो कि सबसे नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चलें, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें इस मसले को हल करें, ये जाने तो नहीं लगा। और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि जी पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है, और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर वन पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम दो कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। अभी तक तो एक वन साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को, हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, ये मेरा मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो और हम अपने जो मेन इशू है उसको डायलॉग से हल करें। मैं आखिर में मैं पाकिस्तानियों से, अपने कौम से प्लेज करता हूँ
कि इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यहाँ भी हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर सकते हैं, हम भी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम ला सकते हैं जो अवाम की ज़िंदगी आसान करेगा, जो ऐसा गवर्नेंस सिस्टम जो मौका देगा लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का। मैं ये आपसे आज प्लेज करता हूँ कि कोई भी मेरी सारी कोशिश होगी कि इमरान खान सादगी इख्तियार करे, कोई बदले ना। मैं आपकी तरह का एक शहरी हूँ, अगर मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा तो ये नहीं मतलब कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ और जो आज तक जो हमारे में जो पावर में आता है वो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। मैं फिर आपसे प्लेज करता हूँ कि ये एक गरीब मुल्क के अंदर ये जो सिम्बल्स हैं, ये जो हम बड़े बड़े महलों में रहते हैं और जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में रहते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हुक्मरान आज तक याशी करते हैं, मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये एक बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान गवर्नेंस देखेंगे। मैंने आज तक आपसे जितने वादे किए हैं, मैंने आपको कहा कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, आप सब ने मुझे पैसे दिए। मैंने आपको कहा था 70% लोगों का मुफ्त इलाज होगा, आज अल्लाह का फजल से 2 कैंसर हॉस्पिटल है पाकिस्तान में, दुनिया में कोई मिसाल नहीं जिधर 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज है। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, पहली देहात के अंदर यूनिवर्सिटी। मैंने आपको कहा कि वहाँ मैं गरीब घरानों से लोगों को एक इंटरनेशनल डिग्री दिलवाऊँगा, मुझे फख्र है 90% वहाँ बच्चे गरीब घरानों के हैं जो नबल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को वो मुल्क बनाऊंगा जो पहली दफ़ा बजाय एक छोटे से एलीट के लिए पॉलिसीज बनाए, सारी पॉलिसी बनेगी कि मेरा ये जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जिसके अंदर सारे हैं, जिसमें ख्वातीन हैं, जिसमें माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें हमारी माइनॉरिटीज़ नीचे जिनके ऊपर जिनके हकूक कई दफ़ा जो दिए हुए कानून में वो भी नहीं हम करते, जिसमें घर के मुलाजम हैं जिनको कोई राइट्स नहीं मिलते, मेरी सारी कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएं, उनके हकूक को प्रोटेक्ट करें। मैं हर उस निचले तबके मजलूम तबके के साथ इंशाल्लाह आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा। और जो आखिरी मेरा पॉइंट है धांधली का, आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई, सबसे पहले मैं इनको कहूं कि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुंतखब की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई की नहीं थी और केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन सारी गवर्नमेंट्स ने इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत से बनी थी। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हलके में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, हम सारे हलकों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। जब 2013 का इलेक्शन हुआ 400 पिटिशंस थी जिसमें लोगों ने कहा, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई, और 400 पिटिशंस थी इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने कहा 4 खोल दो, सिर्फ 400 में से सिर्फ मैंने कहा 4 सैंपल ले लो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। ये सारी पार्टीज जो आज कह रही हैं धांधली हुई, इन सब ने मेरी मुखालफत की, इन्होंने किसी ने 4 हलके नहीं खोले, हमें अदालत में जाके 3-3 साल के बाद हमने वो हलके खुलवाए। आज मैं आपको कह रहा हूं हमारी तरफ से कोई हलका आप खोलना चाहते हैं, जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि यह पाकिस्तान का सबसे साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है और मैं ये समझता हूं कि कभी इस तरह की पाकिस्तानी कौम ने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में जो आज किया। और जो भी खदशात हैं ऑपोजिशन के जो कह रहे हैं आज के धांधली हुई, हम उनके साथ मिलकर इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं। मैं पाकिस्तानियों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ताकत दे कि जो मैंने आपसे वादे किए हैं वो मैं पूरे करूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।